रमेश, आज हम रिपेयरिंग करेंगे आओ कंपनी का ग्राइंडर जिसमें हम स्विच लगाएंगे। तो चलिए, ये ग्राइंडर है जिसमें जो आगे स्विच लगा हुआ है वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है। ये देखिए, बिल्कुल ख़राब हो चुका है ये, और बार बार में चेंज करने से ख़राब हो जाता है, इसलिए हम इसे पीछे स्विच लगाएंगे। आगे वाला कनेक्शन हटाएंगे और पीछे नया स्विच लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ग्राइंडर को खोलते हैं। ये स्विच हमने ले लिया दोस्तों। ये डीवाल्ट कंपनी का ग्राइंडर का स्विच है, 810 नंबर ग्राइंडर का है ये, इसे हम लगाएंगे। तो पहले ड्रिल की मदद से हम इसे हॉल निकालेंगे। और ये हमने स्विच के कनेक्शन करने हैं। एक वायर है जो डायरेक्ट लगा देना है कनेक्शन का, और दूसरा जो वायर है वो स्विच से लेके पहला स्विच में लगाना है और दूसरा ग्राइंडर में लगाना है, और एक डायरेक्ट रहने देना है। दोनों वायरों में से कोई भी एक वायर ले लीजिए आप। पहले जो स्विच लगा था उसी के कनेक्शन में कर रहे हैं हम दोस्तों। आप चाहे तो टेप लगा के वैसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं। मैं इसमें सोल्डिंग इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये हिले नहीं। ये दोनों कनेक्शन एक ही साथ में है, एक ही जगह पे है दोस्तों, दोनों अलग अलग नहीं हैं, बस खाली स्विच से हमने अलग किए हैं और अब वापस फिट कर रहे हैं। इसका एक वाशर है वो लगा देते हैं और इसका नट टाइट कर देते हैं ताकि ये हिले नहीं स्विच। और अभी से हम स्क्रू लगा देते हैं इसकी बॉडी का, जो कैप हमने खोला उसका। अब ग्राइंडर को हम लगा के देखते हैं पावर में। ये लीजिए दोस्तों, ग्राइंडर हमारा बन के तैयार हो गया है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका। बिल्कुल ग्राइंडर ठीक हो चुका है, धन्यवाद।